बिज़बिल्ला मे शैत दे, ना तो दे आर नाइन्थ क्लास स्टूडेंट असलम टुडे वी विल डिस्कस आर नेक्स्ट हेडिंग दैट इज़ मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी स्टूडेंट हमारे पास हमने डिस्कस किया था ब्लड वेजल्स को उसमें हमने इन डिटेल आर्टरीज को समझा आज हम डिस्कस करेंगे मेन आर्टरी को कि हमारी बॉडी में कौन कौन सी मेन आर्टरीज हैं और उनके क्या रोल है तो लिखा है हमारे पास द पलमनेरी आर्टरी विच ऑर्जिनेट्स फ्राम द राइट वेंट्रिकल कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू वर्ड्स दी लंग्स हमारे पास जो पलमोनेरी आर्ट्री है जो कि ऑर्जिनेट करती है राइट ऑर्जिनेट हो रही है कहाँ से राइट वेंट्रिकल से और फिर वो कैरी करती है डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को ठीक है यानी कि वो ब्लड जिन जो ऑक्सीजिनेट नहीं हुआ है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है अब उस ब्लड को वो किसकी जानब ले की जाती है लंग्स की जानीब ठीक है अच्छा उसके बाद ऑर्टा की जानी विच ऑर्जिनेट फ्रॉम दी लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि ऑर्जिनेट्स हुआ है किससे लेफ्ट वेंट्रिकल से ठीक है ना अच्छा अब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास कैरी करने के बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरीज करती है और फिर उसके बाद टूवर्ड्स तो दी बॉडी फिर बॉडी की जानब ले जाती है ताकि वो क्या कर सके पूरी बॉडी में ब्लड जो सेल है हमारे पास जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा सके पूरी बॉडी में ऑर्गन्स को प्रोवाइड कर सके ठीक है आगे हमारे पास लिखा है कि ये जो हमारे पास आर्ट्रिया है इसकी जो है हमारे जो हेड है नेक है और जो आर्म्स है इसमें हमारे जो है वो क्या करता हैं ब्लड को दे रहे होते हैं ठीक है इन टू द आर्टरीज ऑफ दी हैड नेक एंड आर्म्स अच्छा उसके बाद लिखा है हमारे पास आर्टिक आर्च कर्ल्स बैकवर्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ दी हार्ट एंड कंटिन्यूज डाउनवर्ड अब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारा बैकवर्ड फ्लो करता है ठीक है किस तरीके से बैकवर्ड लेफ़्ट साइड से लेके हमारे हार्ट से जो है वो होते हुए डाउनवर्ड जाता है एज द डोरसल आर्टरी डोरसल आर्फिया की तरफ ठीक है विच डिस्ट्रीब्यूट जो कि तकसीम कर रहा होता है ब्लड को रीजन्स में ऑफ़ द बॉडी ब्लो द हार्ट हार्ट के अलावा जो बाकी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स है उसमें क्या करता है बेसिकली ब्लड को जो है वो सप्लाई कर रहा होता है ठीक है ना उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो लिखी हुई है जैसे कि इट सप्लाइज़ ब्लड ऑक्सीजनेटेड थ्रो हाइपिटिक आर्टरी टू द लीवर रिनाल आर्टरी किडनी एंड फॉर्मरल आर्टरी टू लोअर लिम ठीक है लोअर लिम तक हमारे जो है वो ब्लड को क्या कर रहा है सप्लाई कर रहा है उसके बाद हमारे पास है मेन वेन ऑफ द बॉडी अब वेन हमारे पास जो आर्टरीज है वो तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ट्रांसफर कर लिया है अगर हम बात करें वेन्स की स्टूडेंट तो हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि जो ब्लड है वो रिटर्न होता है हार्ट पे बाय बा मेन वन एज़ फॉलो ठीक है वेन के ज़रिए पलमोनेरी वेन्स जो है वो ब्रिंग करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के जरिए ठीक है जबकि हमारा जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है वो क्या करता है हार्ट की तरफ उसके बाद हमारा इन्फीरियर वेना कहवा जो है वो अपवर्ड पैरल डायरेक्शन में और डोरसल ऑट्रा में क्या करता है ब्रिंग्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ठीक है फ्रॉम द लोअर बॉडी इसके बाद हमारे पास जो अमंग जो दीज आर रिनाल वन जो है वो ब्लड को किडनी तक लेके जाएंगे हैपाटेनिक वेन्स जो है वो ब्रिंग करेंगे ब्लड को लीवर तक जाएंगे ठीक है तो इस तरीके से बेसिकली एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक दूसरे ऑर्गन से तीसरे और इस तरीके से इंदलाज सुपीरियर बैना का जो है हमारे पास वो क्या करेगी डी ब्लड को वापस हेड से नेक से राइट आ, आर्म से लेके राइट आर तक लेकर आएगी अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है कि देखिए हमारी बॉडी में जो है ना वो कंटिन्यूसली ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है स्टूडेंट हमारी बॉडी में मुस्तकिल हो रहा है ब्लड जो है वो फ्लो कर रहे हैं अब जो ब्लड की सर्कुलेशन है स्टूडेंट ये किसकी वजह से हो रही है हार्ट की वजह से बिजली जब हार्ट पंप कर रहा है तो वो ब्लड को क्या कर रहा है पुश कर रहा है ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी में दे रहा है अब ऑर्गन टू ऑर्गन या हमारे सेल टू टिश्यू से लेके सेल तक या हमारे जो है वो पूरी बॉडी पार्ट में जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो इसी हमारे पास ब्लड वेजल्स की मदद से सप्लाई हो रहा है तो आगे आपको बेसिकली मेन जो हमारे आर्टरीज़ का और वेन्स का जो तरीक़ेक है जो उसका का प्रोसीजर है ब्लड को ट्रांसफ़र करने का तो वो आपको बताया गया है कि किस तरीके से पहले डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ऑक्सीजनेट करते हैं फिर पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं फिर पूरा ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करते हैं वो वापस डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हैं ठीक है हार्ट से और फिर दोबारा क्या करते हैं उसको ऑक्सीजनेट करते हैं तो ये अमल मुसलसल हो रहा होता है ठीक है ना तो उसके बाद हमारे पास लिखा है स्टूडेंट आज में कि हमारे पास एक फ़िजिशन थे कहाँ के फर्स्ट अरब फिजिशन थे ठीक है जिनका नाम था इब्ने लाल नफीज़ उन्होंने पहली बार क्या किया था एक्सप्लेन किया था बयान किया था पल्मोनरी सर्कुलेशन को ही बिलीव दैट ऑल द बॉडी दैट रीच द वेंट्रिकल पास थ्रो दी लंग्स इन्होंने ये कहा इनका मानना है कि जो हमारा ब्लड जो है वो रीच करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल पे पहुँचता है तो वो किससे गुजर कर आता है हमारे लंग से गुजर कर तभी तो जो है ना वो ऑक्सीजिनेट होकर आता है क्योंकि ऑक्सीजन तो लंग के पास है ऑक्सीजन तो एल्बोलाइ -like के पास है जो कि लंग्स में मौजूद है उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट हमारे पास लिखा है कि जो वेलीयम हैवी है वो इंग्लिश के फिजिशन है जिन्होंने एक्सप्लेन किया था सिमेटिक सर्कुलेशन को डिटेल में और उनका ये मानना है कहना है कि जो हमारा ब्लड है वो जब बिंग पम्प्ड जब वो पम्प्ड होता है टू तो द ब्रेन एंड बॉडी बाय द हार्ट तो फिर वो ब्रेन से लेके पम्प होता है पूरी बॉडी बाय किसके जरिए हार्ट के जरिए बाय द हार्ट हार्ट पम्प करेगा तो फिर वो ब्रेन और बाकी तमाम बॉडी में जाएगा तो ये बात हमें बताने वाले जो हमारे फिजिशन थे ठीक है पहले फिजिशियन थे अरब के जिन्होंने पलमनेरी सर्कुलेशन को बताया और दूसरे हमारे इंग्लिश फिजिशन थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था सिमेट्रिक सर्कुलेशन को फिजिशियन का मतलब होता है तबीब ठीक है स्टूडेंट तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया मेन वेंस ऑफ द बॉडी और मेन आर्टरीज ऑफ़ द बॉडी इसमें से आप एम अच्छा खासा प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि इस टॉपिक में से एम आ सकते हैं ठीक है इन नेक्स्ट वीडियो में हम डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो लाजमान लाइक करें चैनल पर न्यू है तो लाजमान सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वीडियो